दयानंद के बलात्कार पर खबर क्यों नहीं चलाई? अर्णव गोस्वामी डरता क्यों है? अर्णव गोस्वामी क्यों डरता है? थरथर थरथर कांपता क्यों है? बलात्कारी से डरते हो तुम लोग? सर अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बलात्कारी से डरते क्यों, ये बताओ। एक सवाल अरविंद केजरीवाल के, चिन्मयानंद पे मैं पूछ रहा हूँ तुम क्यों? अरे तुम चिन्मयानंद का मुंह से अपने नाम ले लो एक बार। मेरा काम है आप चिन्मयानंद का नाम लो, दिल्ली की बात है, आप नेता चिन्मयानंद का नाम तो लो अपने मुंह से। कितना डरते हो यार, एक बलात्कारी के लिए का नाम ले नहीं पा रहे हो। मेरा आपसे सवाल है, वो अस्पताल में मौज मार रहा है, उसकी खबर चला नहीं पा रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी को लेते हैं, मैंने कहा तो उस लड़की को जो जेल भेज दिया गया उसकी खबर चलाई तुमने? 14 पन्ने की FIR जो दर्ज कराई बलात्कार से, उसकी चलाई खबर चलाई उसने? बलात्कार पे खबर चलाई आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आज भी है आम आदमी की पार्टी, तो बलात्कारियों के खबर क्यों नहीं चलाते तुम लोग? दिल्ली में लोग बाहर से आके इलाज नहीं कराएंगे, डरते क्यों है ये बताओ? चिन्मयानंद से क्यों डरते? अगर लोग इलाज नहीं कराएंगे तो बलात्कारी से डरते क्यों? आम आदमी पार्टी बलात्कारी से क्यों डरते हो? दिल्ली के मुख्यमंत्री बलात्कारी से अर्णव गोस्वामी का क्या समझौता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्णव गोस्वामी का क्या समझौता है? क्यों नहीं बोलते? मैं जो पूछ रहा हूँ बलात्कारियों के पीछे तुम लोग क्यों तलवे चाट रहे हो? मेरा सवाल सर आपसे है, बलात्कारियों के तलवे क्यों चाट रहे हो यार? केजरीवाल आपकी पार्टी के मुखिया, उनसे एक मैं सवाल है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री जो कई बार सांसद रहे हैं, उस पर आपने खबर चलाई? सर खबर चलाना क्यों नहीं चलाई? हर चीज पे क्यों डरते हो? अरविंद केजरीवाल बलात्कारी से डरते क्यों? अर्णव गोस्वामी क्यों डरता है? अर्णव गोस्वामी और तुम लोग डरते क्यों? सर क्या आपका इस पर भी कोई टिप्पणी है जो कल अरविंद केजरीवाल जी ने बोला? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बताइए, एक बलात्कारी 14 पन्ने की FIR एक लड़की ने दिखाई, उसके खिलाफ उसकी खबर नहीं चलाई तुमने? सर शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल खबर चलाते हैं, शर्म आती है कि नहीं आती? आप मुझे बताइए सर, एक महिला को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री एक बच्ची को न्याय मिलना चाहिए? दिल्ली के लोगों को बलात्कारी खबर क्यों नहीं चलाई? लोगों को क्यों अलग अलग बात देना चाहिए? आम आदमी मैं कह रहा हूँ, बलात्कारी की खबर क्यों नहीं चलाई? बिल्कुल खबर चलाते हैं, लेकिन आम आदमी महाराष्ट्र में सूरत में जब मारे गए बिहारी तो क्यों नहीं चलाई खबर? देश के लोगों को क्यों बात दे रही? बिहारियों को सूरत में जब पीटा गया गुजरात में, उसकी खबर चलाई? सर आप बताइए ना, चलाई खबर? अरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताओ। सर हमने गुजरात में खबर चलाई, वो सारी दुनिया देखी है, तो तुम बिके हुए हो, खबर दिख रही है जो चल रहा है, तुम्हारा चैनल बिका हुआ है। सर आप एक मैं कह रहा हूँ बिका हुआ है तुम्हारा चैनल। टिप्पणी करी दिल्ली में, उस पर आपकी क्या कोई प्रक्रिया है, उस पर एक सवाल पूछना? मैं तो कह रहा हूँ बैठते हैं, दिन भर ही मैं बोलूंगा, चलो उस पर आपको कोई जवाब? मेरी प्रक्रिया ये है कि तुम लोग बलात्कारियों की खबर केजरीवाल, अर्णव गोस्वामी और तुम्हारा टीवी बलात्कारियों की खबर चलाने से डरता है। मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हारा टीवी बलात्कारियों के हक में खड़ा है। सर हमारी जो हम खबर, भारतीय जनता पार्टी से तुम लोग डरते हो, अरविंद केजरीवाल उनके हाथों बिके हुए हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री बिके हुए उनके हाथों, डिवाइड कर दिया लोगों को, दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए तो कैसे? गुजरात में जो पीते गए चलाया तुमने खबर? बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पीते गए यूपी बिहार के लोगों का चलाया खबर? खबर तो हर चैनल हर कुछ चलाया, लेकिन कभी कभी पूछा जाके भाजपा के नेताओं से सवाल पूछा? आपकी पार्टी, तुम तो भाजपा ही चैनल हो ना? अरे भाई भाजपा ही चैनल हो ना? अपनी भाजपा के चैनल पे क्या टिप्पणी करें? मैं पूछ तो रहा हूँ अपने भाजपा के चैनल पे क्या बोले? भाजपा संघ प्रचारक कहाँ है तुम्हारा? अर्णव गोस्वामी टिप्पणी आप अरविंद केजरीवाल, अर्णव गोस्वामी कहाँ है? अरविंद संघ प्रचारक जो है तुम्हारा कहाँ है वो आजकल? आपके मुख्यमंत्री इस तरीके से, अर्णव गोस्वामी जो बीजेपी का नेता है वो इस वक्त कहाँ है? उस पर कुछ है सर चैनल? मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। चिन्मयानंद के अपना चैनल चला रहे हैं, चिन्मयानंद की खबर क्यों नहीं चलाई? दुनिया देख रही है सर। उस पीड़ित लड़की के फेवर में खबर क्यों नहीं चलाई? सर आपके तुम बलात्कारियों के साथ खड़े हो तो शर्म नहीं आती तुम लोग? आप सब लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हो तो आप लोग शर्म नहीं आती? आप लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें सीधा सवाल, डिवाइड कौन सा किया आप लोगों में? खुलेआम बोला दिल्ली में जो भी लोग आए इलाज कराए उनका स्वागत है, लेकिन ये भी तो कहा ठीक है दिल्ली बलात्कारियों की खबर, बलात्कारियों के साथ दो खुश रहो, अपनी कैपेसिटी बोले बलात्कारियों का साथ दो और खुश रहो। हमारा काम खबर दिखाना है आपको।